मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री संजय पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, एक बहुत ही युवाओं को सबल बनाने की योजना आपके डिपार्टमेंट चलाता है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इस योजना के जरिए काफ़ी जो युवा हैं वो प्रशिक्षित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, खुद को स्वावलंबी बना रहे हैं। इसको और किस तरह से आगे बढ़ाने की आपकी योजना है? देखिए, आज भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि मध्य प्रदेश का युवा जो है वो नौकरी के लिए दलदल ना भटके बल्कि खुद अपना कोई स्वरोजगार लगाए और जीवन को अपने आगे बढ़ाए, और ना केवल खुद का स्वरोजगार लगाए बल्कि खुद का कोई व्यापार, व्यवसाय, धंधा, प्लांट, इंडस्ट्री कुछ भी खड़ा करे, उद्यमी बने और उसमें कई लोगों को और रोज़गार उपलब्ध कराए। लेकिन जिस तरीके से मैं चाह रहा हूँ काम करना कि समाज का हर वर्ग, युवा, हर तबके का युवा निकल के सामने आए, उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हालांकि हमारा जो टारगेट, हम उसको टारगेट को 20-25% ऊपर ही अचीव कर रहे हैं। पिछली बार हमारा टारगेट 5 लाख लोगों को स्वरोजगार से लगाने का था तो हम 5 लाख के एवज में 5,54,000 लोगों को स्वरोजगार से लगाए। इस बार हमारा लक्ष्य है 7.5 लाख नौजवानों को स्वरोजगार से लगाना और लगभग 7.5 लाख नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट करा के और स्किल्ड करके उनको स्वयं को स्वरोजगार से लगने योग्य बनाना। तो ऐसा टारगेट 15 लाख लोगों का, जिसमें 7.5 लाख तो सीधे स्वरोजगार से लगेंगे। अब हम एक चीज़ और कर रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस लाना, लोगों को ये समझाना, बताना कि आप कौन कौन से धंधा करें, मार्केट बेस्ड बिजनेस क्या है। तो जैसे हम बैतूल की बात करें, हरदा की बात करते हैं, छिंदवाड़ा की बात करें, या हम खंडवानी, मंदसौर, जो अलग अलग ज़िले हैं, रीवा, सतना, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग चीज़ों की डिमांड होगी, अलग अलग चीज़ों का मार्केट होगा, अलग अलग रॉ मटेरियल्स होंगे। तो वहाँ पर हमने भी अपने पीएस को निर्देशित किया है कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज रॉ मटेरियल्स निकाल लीजिए कि क्या क्या रॉ मटेरियल है वहाँ पे, प्रोडक्ट क्या क्या हो रहा है, खेती किस चीज़ की हो रही है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम क्या क्या इक्विपमेंट्स बना सकते हैं, कौन सी इंडस्ट्री ला सकते हैं। तो पूरे प्रदेश के सभी ज़िलों का एक सर्वे करके कि कहाँ पर किस चीज़ का कैसा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, कहाँ पर कौन सी क्रॉप ज़्यादा आती है, यानी फसल किस प्रकार की ज़्यादा ली जाती है, कहाँ पर क्या इंडस्ट्री डालने पर उसका मार्केट ज़्यादा बेटर मिलेगा। तो इसके लिए हमने जिला स्तर पे अभी बीच में भी स्वरोजगार के मेले भरवाए थे और उसमें शासन की योजनाओं को, सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो नौजवानों को देना चाह रहे हैं, जो उनके लिए करना चाह रहे हैं, उन योजनाओं के बारे में जानकारी दी। और अभी निरंतर अब हम इसको अभी बड़े लेवल पर भी अब करने जा रहे हैं। और एक चीज़ हम और करने जा रहे हैं, हमने अभी एक चीज़ देखी है कि जब भी कभी कोई युवा कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए अपने आप को आगे बढ़ाता है, युवा उद्यमी के तौर पे आगे जाता है, एंटरप्रेन्योर को आता है, तो उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए सीए के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो अभी हमने अपने पीएस को एक निर्देश और दिए हैं कि जितने भी युवा उद्यमी में अभी तक मध्य प्रदेश में जो जो भी उद्योग स्थापित हुए हैं सबकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंकों के पास होगी, हमारे पास होगी, वो सारी रिपोर्ट को हम लेके और कंप्यूटर में डाल दें, अपने एमएसएमई की साइट पे डाल दें। सपोज़ किसी को फायर ब्रिक्स बनाना है या किसी को फ्लाई ऐश का ब्रिक बनाना है तो उसको बनाने के लिए क्या मटेरियल लगेगा, क्या इक्विपमेंट लगेगा, इक्विपमेंट कहाँ से आएगा, इसकी वायबिलिटी क्या होगी, कैसा क्या होगा, तो कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए उस सीए के चक्कर ना लगाने पड़े, तो उसको भी हम अपनी एमएसएमई की उसमें डाल देंगे, पोर्टल में डाल देंगे। तो ये सारी हमारी तैयारियाँ चल रही हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम 2018 में, हम तो अक्टूबर तक अपना टारगेट को पूरा करना चाहते हैं कि 7.5 लाख नौजवानों को इस अक्टूबर तक स्वरोजगार से लगाएं। मंत्री जी, एक छोटा सा एक कहने का पहलू आता है, कई बार बैंक कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए भी बात भी करते हैं, उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? आज से 4-5 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर सारे बैंकर्स की मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बुलाई। ये अमूमन बहुत कम प्रदेशों में देखा गया होगा कि माननीय किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री रेगुलर तौर पर निरंतर बैंकर्स के साथ बैठ के और योजनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे जो पिछले 2 सालों के अंदर 5 से 7 बार बैंकर्स के साथ बैठे, अभी 4-5 दिन पहले हम और माननीय वित्त मंत्री जी भी हमारे साथ थे और माननीय मुख्यमंत्री जी उस बैठक को हेड कर रहे थे और उन्होंने सारे बैंकर्स को ये निर्देश दिए हैं कि देखिए, इस प्रकार से जो एक जानकारी आती है कि जब तक आप कोई चीज़ जमानत के तौर पर नहीं रखोगे तब तक हम आपको गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक हम लोन नहीं देंगे, तो ये बैंकर्स कुछ परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी बैंक को स्पष्ट निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिए हैं कि इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। फ्यूचर ऑफ मीडिया इज डिजिटल टेलीविजन। इंडिया फर्स्ट मोबाइल न्यूज में सबसे आगे है। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर इंडिया फर्स्ट, सटीक, एक्सक्लूसिव और डिजिटल पिक्चर क्वालिटी। इंडिया फर्स्ट आपको रखता है
हर वक्त अपडेट, तो जुड़िए डिजिटल न्यूज के आधुनिक संसार से, जुड़िए इंडिया फर्स्ट से। सब्सक्राइब नाउ इंडिया फर्स्ट.ऑनलाइन।